मित्रों, आज हम छठवें विपत्ति को देखेंगे जो फफोलों और फोड़ों का निकलना है। हम निर्गमन की पुस्तक 9 अध्याय उसके 8 से 10 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा कि तुम दोनों भट्टी में से एक एक मुट्ठी राख ले लो और मूसा उसे फिरौन के सामने आकाश की ओर उड़ा दे। तब वह सूक्ष्म धूल होकर सारे मिश्र देश में मनुष्यों और पशुओं दोनों पर फफोले और फोड़े बन जाएगी। सुवे भट्टी में की राख लेकर फिरौन के सामने खड़े हुए और मूसा ने उसे आकाश की ओर उड़ा दिया और वह मनुष्यों और पशुओं दोनों पर फफोले और फोड़े बन गई। मित्रों, यह सिर्फ एक कल्पना है, परंतु यह विपत्ति संभवतः फिरौन की उपस्थिति में आरंभ हुई और शायद वह पहला व्यक्ति था जिसे सबसे पहले फोड़े निकले हैं। हम निर्गमन 9 अध्याय उसके 11 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, और उन फोड़ों के कारण जादूगर मूसा के सामने खड़े न रह सके, क्योंकि वे फोड़े जैसे सब मिस्रियों के वैसे ही जादूगरों के भी निकले थे। फिरौन के साथ उसके जादूगर और सलाहकार हर समय रहते थे जो उसको सम्मति देते थे। वे प्रथम दिन 3 विपत्तियों और चमत्कारों की नकल मारने में सक्षम रहे थे और बाकी विपत्तियों की नकल मारने में असमर्थ रहे थे, और अब इस विपत्ति में उनकी भी फोड़े निकल आए थे। मैं सोच सकता हूं कि वे वहां से हड़बड़ाकर चले गए होंगे। मित्रों, पहली बार यहां पर परमेश्वर मनुष्य को और साथ ही साथ पशुओं को अपने न्याय या दंड से छू रहे हैं। वह मनुष्य के शरीर को पीड़ा दे रहे हैं। पुरोहित जो मिस्री मंदिरों में सेवा किया करते थे, उन्हें शुद्ध होना आवश्यक होता था, अर्थात बिना टूटे फूटे अंग के और बिना किसी प्रकार की बीमारी के होना था। अचानक फोड़ों और फफोलों के होने से या उनके ऊपर विपत्ति आने से वे मंदिरों की सेवा करने के लिए अशुद्ध अस्वस्थ हो गए थे। इस विपत्ति ने मिस्र में की सारी झूठी आराधना पर रोक लगा दी। डॉक्टर मैगी बताते हैं कि उन्होंने मेम्फिस के शहर के टूटे फूटे अंश का भ्रमण किया। अब टूटे फूटे सारे अवशेष व्यवहारिक रूप से समाप्त हो चुके थे, परंतु पुरातत्ववेत्ता उस महान शहर के बारे में कुछ जानते थे। वहाँ ऊपर एक राजमार्ग पर और नीचे दूसरे राजमार्ग पर मंदिर के बाद मंदिर अर्थात कई मंदिर बने हुए थे। वहाँ मेम्फिस के 10,000 से भी अधिक मंदिरें थीं। पुरोहित उन सब में सेवा करते थे, और आप कल्पना कर सकते हैं कि फोड़ों की इस विपत्ति ने इन मंदिरों की सेवाओं का क्या हाल किया था। सब कुछ थम सा गया था, सारी जगमगाती हुई बत्तियाँ बुझ गई थी। आगे डॉक्टर मैगी बताते हैं कि जब मैं इस शहर में था, तब मैंने लास वेगास में हुई हड़ताल के बारे में पढ़ी हुई बात को याद किया। वहाँ एक ऐसी जगह है जहाँ पर संसार की किसी भी जगह की अपेक्षा अधिक बत्तियाँ जलाई जाती है। मुझे बताया गया था कि यदि तुम रात में लास वेगास के ऊपर से हवाई जहाज़ में गुजरोगे तो देखोगे कि यह कितना तेज चमकता है कि और तुम सोचोगे कि सूर्योदय हो रहा है। वहाँ एक दिन हड़ताल हुआ और बत्तियाँ गुल हो गई, होटलें बंद हो गए और लोग भी चले गए। वह इतनी चौंकाने वाली घटना थी कि हड़ताल का तुरंत समाधान किया गया। मित्रों, मिस्र की भूमि में ठीक वैसे ही परिस्थितियां थी जैसे कि लास वेगास में हड़ताल के दौरान थी। झूठे धर्म का कारोबार बंद हो गया था, हर किसी को फोड़े निकल आए थे, पुरोहित मंदिर में सेवा नहीं कर सकते थे, मंदिरों पर सूचना तख्त लगे हुए थे जिस पर लिखा हुआ था कि बीमार होने के कारण बंद है। निर्गमन की पुस्तक 9 अध्याय उसके 12 और 13 पद में हम आगे पढ़ते हैं, लिखा है, तब यहोवा ने फिरौन के मन को कठोर कर दिया और जैसा यहोवा ने मूसा से कहा था उसने उसकी न सुनी। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, बिहान को तड़के उठकर फिरौन के सामने खड़ा हो और उससे कह, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। मित्रों, इतना ही नहीं, परंतु फिरौन स्वयं भी फोड़ों से पीड़ित था, फिर भी परमेश्वर अपने दास मूसा के द्वारा अपने लोगों को छोड़ने की बात पूछना जारी रखता है। हमने कितनी बार पढ़ा है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें, और कितनी बार हमने पढ़ा कि परमेश्वर आग्रह करता है मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, तो भी फिरौन इसराइल को उस देश से जाने देने से इनकार करता है। उसका हृदय कठोर था। निर्गमन 9 अध्याय उसके 14 से 17 पद में हम पढ़ते हैं, नहीं तो अब की बार मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों पर
और तेरी प्रजा पर सब प्रकार की विपत्तियां डालूंगा, जिससे तू जान ले कि सारी पृथ्वी पर मेरे तुल्य कोई दूसरा नहीं है। मैंने तो अभी हाथ बढ़ाकर तुझे और तेरी प्रजा को मरी से मारा होता और तू पृथ्वी पर से सत्यानाश हो गया होता, परंतु सचमुच मैंने इसी कारण तुझे बनाए रखा है कि तुझे अपना सामर्थ्य दिखाऊं और अपना नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध करूं। क्या तू अब भी मेरी प्रजा के सामने अपने आप को बड़ा समझता है और उन्हें जाने नहीं देता? मित्रों, परमेश्वर सारी पृथ्वी पर अपने सामर्थ्य दिखाने के लिए फिरौन को इस्तेमाल करने जा रहा है। यहाँ पर परमेश्वर के द्वारा मनुष्य की जलजलाहट को अपने प्रशंसा के लिए उपयोग करने की एक स्थिति है। भजन संहिता 76 उसके 10 में लिखा है, निश्चय मनुष्य की जलजलाहट तेरी स्तुति का कारण हो जाएगी। और हम आगे सातवीं विपत्ति को पाते हैं जो ओलों की वर्षा है। आइए अब हम सातवीं विपत्ति पर अध्ययन करें, जिसे हम 9 अध्याय के 18 पद में पढ़ते हैं। सुन, कल मैं इसी समय ऐसी भारी ओले बरसाऊंगा कि जिनके तुल्य मिश्र की नींव पड़ने के दिन से लेकर अब तक कभी नहीं पड़े। मिश्र आवश्यक रूप से कम वर्षा वाला देश है। यहाँ एक साल में औसतन वर्षा 1 इंच से भी कम होती है। परमेश्वर उन्हें बताता है कि वहाँ वर्षा होने वाली है, परंतु ऐसी वर्षा जिसके बिना भी उनका गुजारा हो सकता था। हम निर्गमन 9 उसके 19 और 20 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, सो अब लोगों को भेजकर अपने पशुओं और मैदान में जो कुछ तेरा है सबको फुर्ती से आड़ में छिपा ले, नहीं तो जितने मनुष्य और पशु मैदान में रहें और घर में इकट्ठे न किए जाएं उन पर ओले गिरेंगे और वे मर जाएंगे। इसलिए फिरौन के कर्मचारियों में से जो लोग यहोवा के वचन का भय मानते थे उन्होंने तो अपने अपने सेवकों और पशुओं को घर में हांक लिया। मित्रों, सवाल यह है कि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया या नहीं। परमेश्वर कहता है कि अपने आप को अपने पशुओं को अंदर छुपा लो। बहुत से लोगों ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं किया और वे न्याय से पीड़ित हुए। परमेश्वर ने उन्हें एक मौका दिया, परंतु ये उनकी इच्छा थी कि परमेश्वर ने जो कहा है उस पर वे विश्वास करें या ना करें। यही बात आज भी पाई जाती है। हम निर्गमन 9 उसके 21 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, पर जिन्होंने यहोवा के वचन पर मन न लगाया उन्होंने अपने सेवकों और पशुओं को मैदान में रहने दिया। मित्रों, यह विपत्ति गाय के सिर की तरह सिर वाली इशीश देवता और वायु की देवी इशीश के विरुद्ध थी। वह सेत और नत की काल्पनिक पुत्री थी और ओसीरिस की बहन और पत्नी थी और होरस की माँ थी। कहा जाता था कि नील नदी में एशीस की आंसुओं के गिरने के कारण नदी के किनारे उमड़ उठते थे और भूमि को उपजाऊ बनाते थे। एशीस मिस्र में प्रधान देवी थी और ओलों की विपत्ति उसी के विरुद्ध थी। यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है कि यह विपत्ति पशुओं के साथ साथ मानव जाति को भी छूती है। हम निर्गमन 9 अध्याय उसके 22 से 25 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि सारे मिस्र देश के मनुष्यों पशुओं और खेतों की सारी उपज पर ओले गिरे। तब मूसा ने अपनी लाठी को आकाश की ओर उठाया और यहोवा मेघ गरजाने और ओले बरसाने लगा और आग पृथ्वी पर आती रही। इस प्रकार यहोवा ने मिस्र देश पर ओले बरसाए। जो ओले गिरते थे उनके साथ आग भी मिली हुई थी और वे ओले इतने भारी थे कि जब से मिस्र देश बसा था तब से मिस्र भर में ऐसे ओले कभी नहीं गिरे थे। इसलिए मिस्र भर के खेतों में क्या मनुष्य क्या पशु जितने थे सब ओलों से मारे गए और ओलों से खेत की सारी उपज नष्ट हो गई और मैदान के सब वृक्ष भी टूट गए। मित्रों, जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उन्होंने बचाव का कोई उपाय नहीं किया। जो संदेश परमेश्वर ने मिस्रियों को दिया था वही संदेश आज वह संसार को भी देता है। न्याय आने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा सोचकर चलने में मनुष्य बुद्धिमान नहीं है। यह नूह के दिनों की तरह है और यह उसी रीति से होगा जब मसीह न्याय करने के लिए फिर आएगा। मिस्र में बहुत से लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, उन्होंने अपने अविश्वास की कीमत चुकाई। परमेश्वर सिर्फ यही चाहता है कि आप उस पर विश्वास करें। निर्गमन 9 अध्याय उसके 26 पद में लिखा है, केवल गोशेन देश में जहां इसराइली बसते थे ओले नहीं गिरे। यहां पर से गोशेन की भूमि को मिस्र की भूमि पर पड़ने वाले विपत्तियों से अलग किया गया है। हम आगे निर्गमन 9 के 27 पद में पढ़ते हैं,
तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा भेजा और उनसे कहा कि इस बार मैंने पाप किया है, यहोवा धर्मी है और मैं और मेरी प्रजा अधर्मी है। यह पहली बार है कि फिरौन ने पाप का अंगीकार किया है। तब हम निर्गमन 9 अध्याय उसके 31 पद को पढ़ते हैं। वहां पर लिखा है, सन और जौ तो ओलों से मारे गए, क्योंकि जौ की बालें निकल चुकी थी और सन में फूल लगे हुए थे। मित्रों, गेहूं और कठिया गेहूं नष्ट हुए थे। और उसी प्रकार से पद 32 हमें बताता है, क्योंकि वे अब तक बढ़े न थे, वे सब मरकर नीचे गिराए गए थे। यह विपत्ति मिस्री भोजन वस्तु और वस्त्रों के विरुद्ध न्याय था। हम निर्गमन 9 के 35 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, और फिरौन का मन हठीला होता गया और उसने इस्राएलियों को जाने न दिया, जैसा कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहलवाया था। परमेश्वर मिस्रियों को जगाने और उनकी झूठी आराधना से झकझोर कर उन्हें बाहर निकालने के लिए उन पर आक्रमण कर रहा है। फिरौन जो लोगों का अगुआ था, अपना हृदय कठोर करना जारी रखा। मित्रों, यहाँ पर अध्याय 9 समाप्त होता है। अब हम अध्याय 10 से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे और इसमें हम देखेंगे कि फिरौन को एक और विपत्ति की चेतावनी दी जाती है। यदि वह इसराइल को जाने देने से इनकार करना जारी रखता है, तब फिरौन पर दबाव डाला गया है कि वह इसराइल की संतान को जाने दे, परंतु वह अपना मन बदल लेता है और मिस्र की भूमि पर टिड्डियों का आक्रमण होता है। एक बार फिर इसराइल को छोड़ने या जाने देने के लिए फिरौन से दुर्व्यवहार किया जाता है, परंतु वह इनकार करता है और देश में अंधकार की विपत्ति छा जाती है। हम देखेंगे कि फिरौन भूमि और लोगों को राहत देने के लिए मूसा से निवेदन करता है, परंतु उसका हृदय अभी भी कठोर है। फिरौन को टिड्डियों के आक्रमण की चेतावनी दी गई। एक व्यक्ति आश्चर्य करने लगता है कि वह क्या चीज है जो इसराइल को जाने देने के लिए फिरौन को तैयार करेगी। हम निर्गमन 10 अध्याय उसके 1 और 2 पद में पढ़ते हैं, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जा, क्योंकि मैं ही ने उसके और उसके कर्मचारियों के मन को इसलिए कठोर कर दिया है कि अपने चिन्ह उनके बीच में दिखाऊं, और तुम लोग अपने बेटों और पोतों से इसका वर्णन करो कि यहोवा ने मिस्रियों को कैसे ठट्ठों में उड़ाया और अपने क्या क्या चिन्ह उनके बीच प्रकट किए हैं, जिससे तुम यह जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। मित्रों, परमेश्वर जो कुछ करता है उसे करने के लिए उसके पास बहुत से कारण है। विपत्तियों को भेजने का एक कारण है फिरौन को यह दिखाना कि वह एक ईश्वरहीन व्यक्ति है। परमेश्वर फिरौन के साथ बिना कोई संपर्क बनाए इसराइल की संतान को तुरंत मिस्र देश से बाहर ले जा सकता था। यदि वह ऐसा करता तो समालोचक कहते कि परमेश्वर निश्चित रूप से फिरौन के प्रति ईमानदार या सच्चा नहीं था। परमेश्वर को उसे एक मौका देना चाहिए था कि इसराइल को जाने दे और छुटकारे के लिए उसे एक मौका देना चाहिए। हाँ मेरे मित्रों, यह बिल्कुल वही बात है जो परमेश्वर ने किया। परमेश्वर अपने लोगों को यह भी दिखाना चाहता था कि वह उन्हें निर्जन प्रदेश में ले जाने से पूर्व क्या क्या कर सकता है। परमेश्वर चाहता था कि वे जाने कि वह उन्हें अब्राहम, इसहाक और याकूब को प्रतिज्ञा किया गया देश में लाने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। यह कहानी फसह पर्व को मनाने के द्वारा लगभग 4000 साल पूर्व ही बताई गई है। हम निर्गमन 10 अध्याय उसके 3 से 7 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर कहा कि इब्रियों का परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है कि तू कब तक मेरे सामने दीन होने से संकोच करता रहेगा? मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। यदि तू मेरी प्रजा को जाने न दे तो सुन, कल मैं तेरे देश में टिड्डियां ले आऊंगा और वे धरती को ऐसा छा लेंगे कि वह देख न पड़ेंगी, और तुम्हारा जो कुछ ओलों से बच रहा है उसको वे चट कर जाएंगे, और तुम्हारे जितने वृक्ष मैदान में लगे हैं उनको भी वे चट कर जाएंगे, और वे तेरे और तेरे सारे कर्मचारियों निदान सारे मिस्रियों के घरों में भर जाएंगे। इतनी टिड्डियां तेरे बाप दादों ने व उनके पुरखाओं ने जब से पृथ्वी पर जन्मे तब से आज तक कभी नहीं देखी। और वह मुंह फेर कर फिरौन के पास से बाहर गया। तब फिरौन के कर्मचारी उससे कहने लगे, वह जन कब तक हमारे लिए फंदा बना रहेगा? उन मनुष्यों को जाने दे कि वे अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करें। क्या तू अब तक नहीं जानता कि सारा मिस्र नाश हो गया है? मित्रों, फिरौन के कर्मचारी उसके साथ तर्क करने की कोशिश करते हैं कि क्या तू नहीं जानता कि सारा मिस्र नष्ट हो गया है? कब तक तुम ऐसा होने दोगे? उन्हें जाने दो। अतः एक बार फिर ये लोग फिरौन की उपस्थिति में बुलाए गए हैं।
हम आठवीं विपत्ति देखते हैं जो टिड्डियों का आक्रमण है। आइए हम आठवीं विपत्ति के बारे में देखें जो निर्गमन की पुस्तक 10 अध्याय उसके 8 से 10 पद में हमें मिलता है। तब मूसा और हारून फिरौन के पास फिर बुलाए गए और उसने उनसे कहा, चले जाओ अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो, परंतु वे जो जाने वाले हैं कौन कौन हैं? मूसा ने कहा, हम तो बेटों बेटियों भेड़ बकरियों गाय बैलों समेत वरन बच्चों से बूढ़ों तक सब के सब जाएंगे, क्योंकि हमें यहोवा के लिए पर्व मनाना है। उसने इस प्रकार उनसे कहा, यहोवा तुम्हारे संग रहे जबकि मैं तुम्हें बच्चों समेत जाने देता हूँ, देखो तुम्हारे आगे को बुराई है। उन्होंने उसके समझौते को स्वीकार नहीं किया, इसलिए फिरौन बहुत अधिक क्रोधित था।